लीजिए सब मामला फिट है ना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों सब ठीक है ना? सब ठीक है। चरस भीम गांजा कोकीन पक्की एलएसडी हशीश हीरोइन मामला फिट। गुड जॉब। थैंक यू। कुछ लड़कियां बंद करके दरवाजा और खोल के दिल की खिड़कियां और डांस करते हैं रोमांस करते हैं। कुछ लड़के कुछ लड़कियां बंद करके दरवाजा और खोल के दिल की खिड़कियां और डांस करते हैं रोमांस करते हैं। कहते हैं ये है डिस्को, कहते हैं ये है डिस्को, हमें समझ ना आई चलो यहाँ से खिसको। कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ बंद करके दरवाजा और खोल के दिल की खिड़कियाँ और डांस करते हैं और रोमांस करते हैं। जो डांस में मजा है रोमांस में मजा है ये बूढ़े क्या जाने यारो है रोमांस में मजा है ये बूढ़े क्या जाने यारो इन्होंने क्या देखा यारो। कुछ लड़के कुछ लड़कियां बंद करके दरवाजा और खोल के दिल की खिड़कियां और डांस करते हैं रोमांस करते हैं। कुछ लड़के कुछ लड़कियां बंद करके दरवाजा और खोल के दिल की खिड़कियां और डांस करते हैं रोमांस करते हैं। I love you.
नशा है जवानी का, आंखों आंखों में पीते हैं, ये बुढ़ापा मुसीबत है, लोग मर मर के पीते हैं, ये नशा है जवानी का, आंखों आंखों में पीते हैं, ये बुढ़ापा मुसीबत है, मजा है रोमांस में मजा है, ये बूढ़े क्या जाने यारो, इन्होंने क्या देखा यारो, जो डांस में मजा है रोमांस में मजा है, ये बूढ़े क्या जाने यारो, इन्होंने क्या देखा यारो। वो भाग रही है, चलो मेरे साथ जल्दी आओ। ये देखो सामान छोड़ के भागी है, जल्दी उठाओ और भागने ना पाए। जी साहब, जाओ जी साहब, मैं इधर जाता हूँ। मेरी 50,000 रुपए की हाशिश छोड़कर घर चली आई, इतना बड़ा नुकसान कौन पूरा करेगा? तुमको ये काम इसलिए सौंपा था कि लड़की समझकर पुलिस को शक नहीं होगा। अब खबरदार जो घर से कदम बाहर निकाला, हाथ पांव तोड़कर हमेशा के लिए घर में बैठा दूंगा। चल ऐसे चल। दीदी, शीला, क्या हुआ शीला? ओहो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? सारी रात जाग कर काटती हो, कहो तो चौकीदार की छुट्टी कर दो, ठीक है ना? छुट्टी तो तुम मेरी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर डैडी ये जायदाद और मकान मेरे और शीला के नाम ना कर गए होते तो तुम उसी दिन मुझे जहर देकर मार डालते जिस दिन मैं एक्सीडेंट में अपाहिज हो गई थी। Will you shut up? आइंदा फिर कभी ऐसी बकवास की तो मैं सचमुच तुझे जान से मार डालूंगा। दीदी, दीदी, दीदी। हम हमारे मुन्ने का कलर बॉक्स कैसे भूल सकते हैं? ये लो। ये क्या है? अरे हाँ, ये तुम्हारा नहीं, ये है तुम्हारी माँ का, समझे? क्या लाए हो मेरे लिए? खुद ही देख लो। ये फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? ओ भगवान, अरे खर्चे तो जिंदगी भर चलते ही रहते हैं, लेकिन साल दो साल में एक आध बार फिजूल खर्ची भी होनी चाहिए, वरना आदमी की सारी जिंदगी फिजूल लगने लगती है। हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या इस वक्त? अच्छा ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। माँ क्या है बेटे? माँ मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। भैया खाना तो खा के जाओ। बस गया और आया, बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं माँ, देखा ना, देखा ना माँ, कुछ देखा, नहीं बेटे, उसको जरूरी काम होगा इसीलिए जा रहा है। और तुम लोग कोई खाना मत खाना, साथ में बैठ के खाएंगे। अच्छा अच्छा। ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों ने काम बंद कर दिया बेटा, और ये लेकिन सेठ जी को हम तब तक यहाँ से निकलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। ये क्या बकवास है? आप लोगों ने काम बंद कर दिया ठीक है, लेकिन मांगों का फैसला कल दिन में भी तो हो सकता है। हमने बहुत इंतजार किया अशोक बाबू, फैसला आप दोनों करते हैं और इस वक्त आप दोनों हमारे सामने हैं। आपको हमारी मांगे पूरी करनी होंगी अभी। ये धमकी है, जबरदस्ती है, आप लोग मुझे पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप पुलिस को बुला सकते हैं। अंकल पुलिस को फोन कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस ये क्या कर रहे हो? छोड़ो टेलीफोन। कुंदन ये क्या कर रहे हो तुम? तुम टेलीफोन के तार काट। अरे तार काटने से क्या होगा? अरे कुंदन तमीज की कोशिश करो, टेलीफोन छोड़ दो। छोड़ो, ये बुड्ढा हमें चार साल से बेवकूफ बना रहा है। मैं इसकी जान दे दूंगा कुंदन। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे कुंदन। ये क्या पागल कर रहे हो? छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। हट जा तेज भैया, हाथ में इसे छोड़ दे। छोड़ूंगा नहीं इसे। नहीं मैं नहीं जान दे दूंगा। नहीं कुंदन, ये सारा तो पागल। हट जा तेज भैया, पीछे मत आओ।
छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो, हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। ये धमकी किसी और को देना चाहिए, आज तुम दोनों रहोगे यहाँ। हट जाओ, इसकी अरे ये क्या हो गया, हटो हटो, ये क्या हो गया, अरे खून, अरे ये हॉस्पिटल ले जाओ, चलो चलो चलो। कैसी तबीयत है तुम? मैं तो मुझे यहाँ लगा। हाँ अशोक जी, बरसों आपका नमक खाया है, वहां आपको छोड़ देता तो मजदूर आपको जान से मार डालते, यहां बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं यहां कब तक रहूंगा? खून का मामला है, जब तक पुलिस की भाग दौड़ ठंडी नहीं हो जाती आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गोगा जी साहब, साहब के लिए पीछे का कमरा साफ, अच्छा साहब, ताकि इनके यहां रहने का किसी को पता ना चले। जी जा, ठीक है ना? बस मेरा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसे जो इंजेक्शन दिया था उसका नशा 4 दिन के बाद आज उतरा है। अशोक को तो पूरा यकीन हो गया है कि खून उसी ने किया है। बिल्कुल, उसे ऐसी जगह छुपा दिया है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, बस गोलियां देता रहूंगा और उसका नशा बना रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसी नशे के दौरान मौका देखकर चुपके से उन कागजात पर दस्तखत भी करा लूंगा, ठीक है ना? मत समझो कि मैं अपाहिज हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरे कान है जो सुनते हैं, मेरी आंखें हैं जो देखती हैं। अच्छा, आंखें हैं जो देखती हैं, क्या देखती हैं? तुम्हारे सारे काले धंधे, और वो सब मैं पुलिस को खबर कर सकती हूँ। अच्छा, तो पुलिस को खबर कर दोगी? अरे गोगा जी साहब, 2 लोहे की सलाखें गर्म करके ले आ, ताकि मैं इनका देखना और सुनना हमेशा के लिए बंद कर दूं। जा। आज से तुम्हारा देखना और सुनना बंद। जीजा जी, दीदी को कुछ मत कहिए, वो आज की बात कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं बोलेगी। मैं दीदी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। जीजा जी, दीदी को कुछ मत कहिए जीजा जी। ठीक है, तुम्हारे कहने से आज मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन इतना याद रखो, आज के बाद तुम्हारी बहन ने जबान चलाई तो मैं इसकी जबान काट कर फेंक दूंगा, समझी? चौकीदार, यस सर, यहाँ का टेलीफोन कनेक्शन काट दो और इन दोनों पर सख्त नजर रखो। क्या सेठ जगमोहन अपना रिवॉल्वर हमेशा दफ्तर में ही रखा करते थे? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अशोक ने गोली चलाई और दिनेश का खून कर दिया। दिमाग ही मानने को तैयार नहीं इंस्पेक्टर, वो तो बहुत ही शरीफ। और ये तो अदालत में ही पता चलेगा। एनी हाउ, आपके सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शक्ति, तुम्हारा क्या ख्याल है, पुलिस अशोक को ढूंढ लेगी? ढूंढ लेगी? मेरा ख्याल है पेशेवर कातिलों को ढूंढना बहुत आसान है, शरीफ कातिलों को तो खुद पता नहीं चलता वो कहां छिपे हुए हैं। यू आर राइट।